ंग टू टीच यू सेटिंग फनल सी दिस इज अस्टॉप कॉक विच इज फिटेड टू द्लास बल्ब ग्लास बल्ब स्टॉप कॉक जो है वो उस पर फिटेड है ठीक है इसको हमें घुमाना होगा और जो हमारा लिक्विड ऊपर भरा है वो इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉप्स वो नीचे गिरेगा अ सेपरेटिंग फनल इज अ ग्लास बल्ब टू द स्टेम विच इज फिटेड अ स्टॉप कॉक स्टॉप कॉक आपने देखा ये नोजल टाइप का और स्टॉपर स्टॉपर इज यूज टू सेपरेट टू अर मोर इमिसिबल लिक्विड्स इमिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं जो लिक्विड्स डिजॉल्व नहीं करते हैं और वाटर एंड ऑयल की तरह ऑयल की तरह वो वाटर के सरफेस पे ही फ्लोट करता रहेगा वो उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल विद ईच अदर देखिए दिस इज द एक्सपेरिमेंट डू इट देन वट इज द सब्लिमेशन सब्लिमेशन अ सॉलिड लाइक अमोनियम क्लोराइड आयोडीन एफ्थिलीन ये क्या करते हैं वेपराइज करते हैं विदाउट मेल्टिंग आपके वॉशरूम्स में आप लगाते हैं ओडोनिल वो क्या करता है सॉलिड में होता है बाद में वेपराइज कर जाता है लिक्विड में नहीं चेंज करता है. एक बीज का फेस वो क्या कर रहा है स्केप कर रहा है देन द वेपर ऑफ सच सबस्टेंस ऑन बींगल डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड दे वॉट है फ्रॉम सॉलिड दे जस्ट इवापोरेट्स इवोपोरेट इन द फॉर्म ऑफ वेपर ठीक है दस बाय द सब्लिमेशन सब्सटेंस दैट सब्लाइम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन दैट डज नॉट ठीक है इनको एक दूसरे सेपरेट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय दिस वे दिस मैथड तो अमोनियम क्लोराइड विद द सैंड कीप इन अ मिक्सचर इन अ डिश अमोनियम क्लोराइड को मिक्सचर में रखा किसके मिक्सचर में सैंड के मिक्सचर में रखा कवर द मिक्सचर विद एन इन्वर्टेड ग्लास इन्वर्टेड ग्लास ग्लास रखा फिर ये फनल देखो इसको रखा चाइना डिश रखी इन्वर्टेड ग्लास के साथ रखा है एंड प्लग लूजली टू ओपनिंग द फनल विद द कॉटन फनल को कॉटन से ढक दिया ऊपर से बंद कर दे हीट द डिश जेंटली ऑन अ वायर गॉस एक वायर गॉस के हेल्प से हमने इसको हीट करना शुरू किया ये देखिए वायर गॉस रखा ये वायर गॉस होता है वो हम लोग फ्लेम के ऊपर रखते हैं ताकि हमारे जो हम मिक्सचर बना हम मिक्सचर निकाल रहे हैं या जिस उसे कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट हीट ना पहुँचे इस वजह से वी आर कीपिंग अ वायर बॉक्स अमोनियम क्लोराइड सब्ब एंड कलेक्ट इन द कॉटन एंड कूलर पार्ट ऑफ द फ़नल वेर अस सैंड रिमेंस इन द डिश ठीक है अमोनियम क्लोराइड क्या करती है सब्लाइम करके उड़ के क्या करती कॉटन में कलेक्ट करती है और जो कूलर पार्ट ऑफ द फनल होता है वहाँ से उड़ के जाती है और कॉटन में कलेक्ट हो जाती है जो कि सैंड जो होती है वो गर्म होती है वो उड़ नहीं पाती है सब नहीं हो पाती वो डिश में क्या करती है नीचे सेटल कर जाती है ठीक है इन द नेक्स्ट वीडियो आई गोइंग टू स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी एंड सब एंड बिग वीडियो सो आई हैव टू आई हैिव यू अ गुड टाइम सो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो एंड टूम आई गिव यू दीडियो इन क्रोमेटोग्राफी बाय